हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और तड़कती फड़कती वीडियो में। और आज की यह वीडियो कोई भी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड नहीं होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो एलविस यादव का जो चल रहा है, एलविस भाई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त कि गिरफ़्तार कर लिया गया है एलविस यादव को। और क्यों किया गया है गिरफ़्तार, ये काफ़ी सारे लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया और काफ़ी सारे लोगों को पता भी है क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ें आ रही हैं। तो गिरफ्तार करने का कारण है रेव पार्टी में शामिल होना, जो सांपों की तस्करी होती है, जो जहर बनाकर उसका ड्रग बनाया जाता है, जो भी करा जाता हो अपन को इतना पूरी क्लियरली पता नहीं है। जो भी सांपों का जहर बेचने का काम वो करते हैं ऐसा उन पर आरोप लगा और उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया 14 दिन के लिए, जो भी उनकी पूछताछ करने के लिए कर लिया गया। तो अभी उनके माता पिता भी आए हुए थे उस पर ABP न्यूज़ पे, उनने भी बोला है, उनकी तरफ से सफाई दी है, उनकी बात रखी है, उनने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उनके बेटे की कोई भी कसूर है, उसे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ऐसा उनने बोला उसके माता पिता ने। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताना। और आप लोग अगर एलविस यादव बेगुनाह हैं तो उन्हें बिल्कुल दिल से दुआ देना ताकि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और उनकी तरफ से अच्छी अच्छी जो वीडियो व्लॉग्स अपन देखने को मिलती हैं वो अपन को दोबारा मिल सकें, ठीक है। तो जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट में बताना, और आप किसके साथ हो, एलविस यादव के साथ हो या फिर नहीं हो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो, नमस्कार।